नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम की घोषणा हुई है। इस परीक्षा में बिहार के भी कई युवाओं ने अपना परचम लहराया है, जिसमें कई छात्रों ने सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक करने का काम किया है। हालांकि इस परीक्षा को पास करने वालों की तादाद तो बहुत है, लेकिन इस परीक्षा परिणाम के बाद बिहार की 5 बेटियों के नाम का जिक्र हो रहा है। ऐसा बस इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने ये परीक्षा क्रैक कर ली है, बल्कि ऐसा इसीलिए क्योंकि इन 5 बेटियों ने बिहार सरकार की मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने का काम किया है और देश की सबसे कठिनतम मानी जाने वाली UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये कर्तव्य करने वाली आखिर है कौन कौन, तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं का लाभ उठाकर मुंगेर की अंशुप्रिया 16वें रैंक पर आई, सहरसा की शैलजा को 83वां रैंक मिला, मुजफ्फरपुर की शिवानी को 122 रैंक और पटना की प्रिया को 284वां रैंक और कैमूर की साक्षी कुमारी को 330वां रैंक हासिल हुआ है। यही वो बेटियां हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेकर ये मुकाम हासिल किया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली योजना है। इसके तहत UPSC या बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बमहरा के अनुसार पहले केवल अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST की छात्राओं को इस योजना के तहत 1,00,000 रुपए मिलते थे, मगर अब इस साल से सामान्य और पिछड़ा वर्ग की लड़कियों को भी योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है। सरकार की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार साल 2021 में इस योजना के तहत कुल 22 महिला उम्मीदवार राज्य सरकार के इस नकद प्रोत्साहन का लाभ उठा रही थी। विशेष बात यह है कि पहली बार में 22 अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकृत हुए थे, जिनमें 5 ने सफलता प्राप्त की है। बता दें कि इस योजना के तहत उन सभी महिला उम्मीदवारों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है जो राज्य सिविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होती है। केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए 1,00,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में हर साल कई UPSC के छात्र परीक्षा में पास होकर देश की सेवा में लगते हैं। बिहार में भी हर साल UPSC क्लियर करने वाले छात्रों का बोलबाला देखने को मिलता रहा है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार तो देश के हर 4 जिले में एक IAS या IPS बिहार मूल का है ही। देश में बिहार सर्वाधिक IAS देता है, लेकिन देश में IAS की कमी का सबसे अधिक खामियाजा बिहार को ही उठाना पड़ रहा है। स्वीकृत पद के मुकाबले बिहार में सबसे कम IAS पद स्थापित है, लेकिन इसके बावजूद IAS के रिक्त पदों पर नजर डालें तो बिहार में ये देश में सबसे ज्यादा है, जिसके बाद ही अब बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संसद की एक स्थायी समिति ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से सिफारिश भी की है कि वो अधिकारियों की वार्षिक संख्या बढ़ाए। इसके साथ ही उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार की IAS की समस्या भी खत्म हो जाएगी। लेकिन बिहार से निकली 5 बेटियों ने इस बार जो UPSC में कमाल कर दिखाया है, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।